नमस्कार, डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजनंदन। हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं माननीय राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। आपको सरकार ने अभी 2 दिन पहले महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव में बहुत कम समय बचा है। अगर थोड़ा पहले आपको मंत्री बनाया गया होता तो समय आपको काम करने के लिए अधिक मिलता, लेकिन फिर भी एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी और सरकार ने आपको सौंपी है और संगठनात्मक स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी तमाम चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, आपके माध्यम से पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने संगठन का कि एक सरकार में हमें समायोजन करने का काम किया है। आभार व्यक्त करता हूं उनका मैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हम लोगों की मानसिकता में काम करने की आदत है। जिस दिन हमारे मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाई गई, उससे पहले हमारे प्रदेश मुख्यालय में, संगठन के भाजपा मुख्यालय में 3 घंटे हम लोगों की बैठक चली और 3 घंटे बैठक में 3 महीने का कार्यक्रम योजना हमारी सारी बन गई। हम लोगों को काम करने की आदत है। हम लोगों को कम समय के विषय में तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है और हम कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। जब कोरोना काल में सभी दल, विपक्ष के जितने भी दल हैं, वो सब घर में बैठ के ट्वीट कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पर जा कर के लोगों की, आम जन की सेवा के काम में लगा था। तो हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में काम करने की आदत है, ये भाजपा का कार्यकर्ता है। जैसे आप कह रहे हैं कि 3 घंटे पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक हुई, तो उसमें संगठन स्तर पर काम करने को लेकर के चर्चा हुई कि जो आपको विभाग मिला है उस विभाग में काम करने? उस समय तो शपथ नहीं हुई थी, तो संगठन के की कार्य योजना थी कि हमें क्या क्या करना है, संगठन की दृष्टि से योजना थी। और 3 महीने का रोड मैप पूरा तैयार हो गया हम सब लोगों का और फोकस करेंगे। अब उसके बाद शपथ हुई है, विभाग मिला, अब उस पर फोकस करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपको दिया गया है, औद्योगिक विकास। तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर के आपने क्या सोचा? देखिए, हमारे भाजपा की जो सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी बाहर की उद्योग से जुड़े कंपनियां आने को तैयार नहीं थी, होती थी। इस समय अनेकों हमारी कंपनियां हमारा काम कर रही हैं और उद्योग को और कैसे बढ़ाया जाए। और मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि ये मुझे विभाग मिला है। इससे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग जितना हमारा उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा, उतने ही हमारे श्रमिक जो भाई हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो ये तो मुझे एक सेवा का अवसर मिला है और पूरा मन लगा करके काम करेंगे इसको, और जितना हो सकता है उद्योग को बढ़ाने के लिए अपना प्रयास किया जाएगा। समय हमारे पास पर्याप्त है, हमें 24 घंटे समय कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करने वाला रहता है। एक प्रचारक के तौर पे हम सब लोग निकल के आते हैं, तो काम करने का बहुत बड़ा अभ्यास है और करेंगे। कोई समय की वो नहीं है कि समय हमारे पास कमी है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के नाराज़गी है जनता में, तो इस नाराज़गी को दूर करने के लिए आप संगठनात्मक स्तर पर या सरकार के स्तर पर क्या आपने जो है सोचा? देखिए, हमारे बहुत बड़ा एक काम हमारी सरकार ने किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो पिछड़े क्षेत्र था उसमें एक्सप्रेसवे बना करके तमाम रोज़गार के अवसर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और वो लगभग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तैयार हो गया, बुंदेलखंड पे हमारा काम चल रहा है, तो बहुत रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और जब रोड बनेंगे, कंपनियां भी आएंगी, उद्योग भी लगेंगे, तो रोज़गार, बेरोजगारी भी खत्म होगी और हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलने की संभावनाएं अपार हैं। उसमें
योगी सरकार के लगभग 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो योगी के अब तक के कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है? हमारी अनेकों सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और निष्पक्ष तरीके से जो जन कल्याणकारी योजना है। पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा वो निचले स्तर पर पहुँचता है। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा जुड़ाव आम जन से किया है, चाहे वो सब लोगों के खाते खुलवाए। तो लोगों को लगा विपक्ष ने फसवाल उठाए कि खाते खुलवा रही है पार्टी, भाजपा खाते खुलवा रही है, सरकार खाते खुलवा रही है। अब हमारे सरकार की योजनाओं का जो भी पैसा जाता है सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। तो जो 85 पैसा जो भ्रष्टाचार में जाता था उसको हमने रोका है और सीधा लाभार्थी को लाभ मिल रहा है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हमारी सरकार बहुत जन कल्याण के लिए सोच करके, नीति बना करके, हमारे मनीषी थे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो अंत्योदय योजना के तहत अंतिम व्यक्ति जो गरीबी रेखा में अंतिम व्यक्ति है उसको समाज की मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, उस विचारधारा के आधार पर हमारी नीतियाँ बनती हैं और उसको लागू करने के लिए सरकार काम करती है और हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पहली बार माटी कला बोर्ड बना करके समाज के जो उस क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं उनको काफ़ी सहूलियतें देने के काम किया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तमाम समस्याएं हैं। तो इसको और जो समस्याएं हैं उसको लेकर के आपने क्या सोचा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी सरकार बनी तो माटी कला बोर्ड का, जो माटी कला से जुड़े परिवार थे उनका रोजगार मृत प्राय हो गया था, कहीं कोई पूछता नहीं था, उद्योग धंधे बंद हो चुके, तो लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे। उनको ध्यान में लेकर के माटी कला बोर्ड का गठन किया और हम माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बने। उसके बाद में जनवरी में गठन हुआ, उसके बाद में फरवरी से कोरोना की शुरुआत हो गई, लेकिन कोरोना के रहते हुए भी इतना काम उस बोर्ड में किया, आम जन तक इस बोर्ड की योजनाओं को पहुंचाया। मिट्टी से संबंधित पट्टों को हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जिले के जिला अधिकारियों के माध्यम से और आम लोगों तक पहुंचाया, पट्टे दिलाने का काम किया, हमने टूल किट निःशुल्क बांटी, हमने ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग के बाद उनको प्रशिक्षण देने के बाद में सर्टिफिकेट दिए और पूरे उत्तर प्रदेश में हमने यहाँ मुख्यालय में, लखनऊ मुख्यालय में, खादी भवन मुख्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई। उसमें से लोगों को जो एक साल में लोग अपना उद्योग नहीं चला पाते थे, पैसा नहीं कमा पाते थे, वहाँ एक हफ्ते में लोगों ने लाखों का इनकम करके अपने घर चले गए। और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में हमने प्रदर्शनी लगाने का काम किया, इससे उनका प्रचार प्रसार हुआ, लोगों में एक जागरूकता बनी और उनका सामान जब प्रदर्शनी लगाई तो लोग खरीदने भी आए और बिके भी। लोग फुटपाथ पर लगा के, हमने देखा तो फुटपाथ पर लगाते थे, हम जाकर मैं स्वयं जाकर के लखनऊ फुटपाथ पर से बुला करके उनको यहाँ प्रदर्शनी में हमने दुकान दी और निःशुल्क दुकानें दी और भी जो सुविधा चाहिए थी वो सारी सुविधाएँ दी और खुश हुए। अब फिर हम आगे योजना हमारी सरकार करने जा रही है तो ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, निःशुल्क टूल किट्स भी वितरण कर रहे हैं, मिट्टी के पट्टे भी कराए हैं और कोई भी जो समस्या है उनको उसका निस्तार कराने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। आपकी दृष्टि में कौन कौन सी समस्याएं हैं? हम तो सारी समाज में, हमारी तो उन समस्या सबसे बड़ा जो माटी कला से जुड़े थे उनकी, हम जब बोर्ड संभाला तो सबसे समस्या थी मिट्टी के पट्टे की। कहीं पहले कहीं कोई पट्टा था तो कहीं किसी पे कोई कब्जा था, वो हमने सबरा साला मुक्त कराने का काम किया। नए पट्टे हमने 23,000 से ज़्यादा हमने पट्टे कराए, 30,000 से गांव ज़्यादा गांव में। और टूल किट हमने देखे, मूर्ति की डाई, इलेक्ट्रिक चाक, पगमेल, फर्नेस, भट्टी निःशुल्क लगाई हमने। हमने सभी समितियाँ बनाई सभी जिलों में, 2-2, 3-3, 4-4 समितियाँ समूह के रूप में, और उनको 10 लाख तक की टूल किट्स हमने निःशुल्क लगा करके दी। बहुत बड़ा काम किया है।
बसपा प्रमुख मायावती जी ने कहा है कि भाजपा का ओबीसी समाज के प्रति प्रेम जो है महज एक दिखावा है, लेकिन ओबीसी समाज उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। हमारे केंद्र की सरकार में कई हमारे ओबीसी के एससी के हमारे मंत्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में कई हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, चाहे वो एससी समाज के हों बीसी समाज के हों। हमारी पार्टी में संगठन में व्यक्ति सर्वसमावेशी हमारी पार्टी संगठन है, और जब सभी वर्गों के लोग हमारे संगठन में काम करते हैं तो उनको आगे लाने के लिए सरकार में सहभागिता करने के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। जब पार्टी के लिए समय दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका भी अधिकार बनता है कि सरकार में उनका समायोजन हो, और वो पार्टी ने किया है और सरकार ने किया है, इसमें बुराई की कौन सी बात है। अगर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं तो जो लोग बने हैं मैं मानता हूँ कि वो उस वर्ग के विरोधी हैं। अच्छा, उनको खुश होना चाहिए, बनाना कहना चाहिए कि अच्छा हुआ है कि एससी और ओबीसी के लोगों को आगे बढ़ाया है, तो ये तो और उनको खुश होना चाहिए इसको, और धन्यवाद देना चाहिए माननीय योगी जी को। अगर वो ये कह रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि वो एससी और ओबीसी के विरोधी हैं। विपक्ष विशेषकर सपा बार बार ये प्रश्न उठा रही है कि भाजपा प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो महज हवा हवाई हैं, उनका लाभ निचले स्तर तक लोगों को नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी रोड पे आई नहीं है, खाली ट्वीट करते हैं बैठ के, तो योजनाओं के धरातल की जानकारी उन तक पहुँचेगी कैसे। जो व्यक्ति धरातल पर जाता है तो उसे जानकारी होती है, वो ऑफिस में बैठ के ट्वीट होते रहते हैं तो जानकारी का अभाव है, जब रोड पर जाएंगे निकलेंगे तो दिखाई देगा सारी योजना। जो देखने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे केंद्र के नेता हों या प्रदेश के नेता हों, चाहे सरकार में शामिल मंत्रीगण हों, अधिकांश केंद्र सरकार की योजनाओं पर फोकस करते हैं, प्रदेश सरकार की योजनाओं पर उतना उनका वो नहीं रहता है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? प्रदेश सरकार के 4.5 साल का अभी जो योजनाएं पार्टी धरातल पर गई हैं वो सब रिपोर्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ने दिया है, मीडिया में दिया है, हमारे ज़िले में सभी रिपोर्ट कार्ड आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। पढ़ लें रिपोर्ट कार्ड वो विपक्ष के लोग, और फिर देख लें कि हमने क्या किया और हमारी योगी सरकार ने क्या किया है। से कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा बहुमत में आएगी, तो इस पर तरह तरह के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि कोई कह रहा 300 सीटें आएंगी, कोई कह रहा 350 आएंगी, तो इस पर आपका क्या है? देखिए, विपक्ष कह रहा है कि हम छोटे दलों से समझौता करेंगे, उन सब समझौता करेंगे, सब दलों को जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में संशय तो है कि हम सरकार में नहीं जा रहे, सरकार में नहीं बना पा रहे, तभी उनको सबको जोड़ने का। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, दृढ़ विश्वास के साथ हम कहते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी, स्पष्ट, कहीं भी एक भी हमें कहीं की भी एक विधायक की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो पहले हमारी सरकार थी उससे आंकड़ा हम कम नहीं रहेगा, हमारा ऊपर जा सकता है। राज्य मंत्री औद्योगिक राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पहले से भी अधिक सीटों के साथ दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कैमरामैन बाबूलाल के साथ डेली इंसाइडर लखनऊ से मैं ब्रजनंदन।